पढ़ रहे हैं वह विज्ञान का इकाई सात बार रहने एक उपभोक्ता के रूप में हम इसके आज आगे का पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आईएसआई मार्क और एक्वार्क, ये सब क्या होते हैं, मानक संस्थाएं कहलाती हैं ना। और अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे लेबल। तो किसी भी उत्पादक वस्तु पर एक कागज चिपका हुआ रहता है या नहीं तो उसमें कुछ लिखा रहता है, वह टुकड़ा लेबल कहलाता है। जिस भी किसी वस्तु के ऊपर या तो खुदा हुआ रहेगा या कोई कागज चिपका रहेगा तो वह उस वस्तु का लेबल कहलाता है। और उस पर बहुत सी जानकारियां होती हैं, जैसे कि उस वस्तु या उत्पादन का नाम क्या है और उस वस्तु को बनाने वाले का नाम और पता, निर्माता का नाम और पता, और किस ब्रांड का सामान है और उस सामान को बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है, फिर उसका उत्पादन और उपयोग, फिर है उसका उपयोग कैसे करना है और उसको कैसे सुरक्षित रखना है, तो इस्तेमाल और रख रखाव के तरीके, फिर है बनाने व उपयोग में लाने की अंतिम कि वह वस्तु कब बनाई गई है और उसको कब तक हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसे आप देखोगे हमेशा हर चीज में एक्सपायरी डेट, एनर्जी डेट रहती है। फिर है अगर वह दवाई हो तो डोज की स्कोप कैसे और कितने लेना है, फिर वजन, मात्रा और नाप, और सबसे कि उसका दाम कितना है, उस वस्तु की कीमत कितनी है। फिर है चेतावनी और सावधानी कि उसको उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियों का हमको ध्यान रखना चाहिए और गारंटी। और उपभोक्ता लेबल के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी पढ़कर ही वस्तु खरीदता है और ये खरीदना, उपरोक्त जानकारी पढ़कर ही वस्तु खरीदना चाहता है। अब है आगे पैकेजिंग। पैकेजिंग का संबंध उस कागज से है जिसको बिकने के लिए उत्पादन को पैक। आप अच्छे पैकेजिंग के लाभ कौन कौन से हैं, तो पैक वस्तु के खराब होने, टूटने का भय नहीं रहता। अगर उसको बहुत अच्छे से वस्तु को पैक किया गया है तो उसके टूटने, टूटने और उसके क्षतिग्रस्त होने का कोई डर या भय नहीं रहता। और अच्छी तरह से पैक की गई वस्तु को यहाँ से वहाँ करने में या स्थानांतरित करने कोई भी कठिनाई नहीं। फिर पैक वस्तु में मिलावट व मात्रा में कम होने का भय भी नहीं रहता। और उचित व आकर्षक पैकिंग वस्तु का मूल्य निश्चित ही अधिक होता है। अगर इसकी आकर्षक पैकिंग रहती है तो अक्सर उसका मूल्य ज्यादा रहता है। फिर है विज्ञापन। तो विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किसी विशेष उत्पादित वस्तु की उपलब्धि, उपयोग, विशेषताओं से अवगत कराना है। एक अच्छा विज्ञापन वही है जो उपभोक्ता को उत्पादन के विषय में सही जानकारी दे एवं उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला न। एक जागरूक निर्णय उचित जांच परख के बाद ही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि विज्ञापन में आके हम वस्तु ऐसी ले आए कि उसका विज्ञापन बहुत अच्छा है पर उस वस्तु की गुणवत्ता अच्छी ना हो। इसलिए एक जागरूक और सतर्क उपभोक्ता को निर्णय जांच परखने के बाद ही करना चाहिए। ज्ञापन के आधार पर किसी वस्तु को खरीदना एक अच्छे समझदार
विज्ञापनों के आधार पर वस्तु को खरीदना एक अच्छे उपभोक्ता की निशानी नहीं होती है। अब है उपभोक्ता संरक्षण के कानून। तो उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाए गए हैं, जिनको कि हम संक्षेप में देखेंगे। पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह नियम के तहत उपभोक्ता अपने नुकसान के बदले शिकायत कर उचित हर्जाना प्राप्त कर सकता है। इस एक्ट के तहत उपभोक्ता केवल प्राइवेट कंपनी ही नहीं बल्कि सरकारी संस्थानों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज कर सकता है। फिर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत जो उत्पादन ब्यूरो द्वारा निर्धारित अपनी गुणवत्ता का स्तर पूरा करते हैं उनको ISI मार्क दिया जाता है और अपने सामान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह ब्यूरो ISI मार्क प्राप्त वस्तुओं के कारखानों का निरीक्षण भी करता है एवं यह भी जांच करता है कि ISI मार्क सही तरह से उपयोग हो रहा है कि नहीं। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा सरकार यह निश्चित करता है कि जो जीवन के लिए उपयोगी आवश्यक वस्तु है जैसे अनाज, दालें, कोयला, पेट्रोल, लोहा, स्टील, जानवरों का चारा आदि के मूल्य नियंत्रित करें एवं बाजार में आवश्यक हेतु उनकी उपलब्धता बनी रहे। खाद्य सामग्री में मिलावट से बचाव संभवी रहे। आगे है कृषि उत्पादन अधिनियम। खेती द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर सरकार द्वारा एग मार्क अधिनियम फल सब्जी की गुणवत्ता के स्तर को निर्धारित करता है। पैकिंग लेबल लगाना, बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना, भंडारण करना और बिक्री के अधिनियम इस बात का आश्वासन देता है कि डिब्बाबंद संरक्षित खाद्य सामग्री पूर्णतः सुरक्षित है। जो उत्पादक उन बातों का ध्यान रखता है उन्हें FPO का चिन्ह प्रदान किया जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए अधिनियम जो सन 1954 के अंतर्गत इस नियम को फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO ने समूचे देश में लागू किया था। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में खाद्य कानून खाद्य तथा औषधि प्रशासन द्वारा भी लागू अपराधियों को कड़ा दंड देने की व्यवस्था है और मिलावट वाले खाद्य पदार्थों का निर्माण आयात और विक्रय वर्जित है। कानून को और अधिक कड़ा बनाने का एक और प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। एक शोधित अधिनियम जो मार्च 1966 से लागू किया गया था 1966 से लागू किया गया था इसके अंतर्गत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 खाद्य निदेशकों का एक दल नियुक्त किया गया था। केंद्रीय खाद्य मानक समिति इस अधिनियम को लागू करने के विषय में केंद्रीय और राज्य सरकार से परामर्श देती है। कलकत्ता के केंद्र